प्रश्न सभा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की खबर है। दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा शिवराज सरकार देने जा रही है। तो 8% बढ़ाया जाएगा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया जाएगा 8% बढ़ाया जाएगा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। तो लंबे समय से हमने देखा इसको लेकर मांग भी उठती आ रही थी, अब दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा शिवराज सरकार की ओर से। वही इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शरद व्यास फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, एक बड़ा तोहफा रहेगा सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार का, क्योंकि हमने देखा लंबे समय से मांग उठती आ रही थी महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर। चलिए, लगता है तकनीकी खराबी के चलते संपर्क नहीं बन पाया है। तो बड़ा तोहफा यहाँ पर कर्मचारियों के लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए शिवराज सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी, क्योंकि दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए ये बड़ा तोहफा 8% बढ़ाया जाएगा सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता। तो अब आपको बता दें, फिलहाल 12% महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिल रहा है और अब इसमें 8% की बढ़ोतरी की जाएगी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में। तो ये एक बड़ा तोहफा कर्मचारियों को मिलेगा शिवराज सरकार की ओर से। तो दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ा तोहफा साबित होगा। हमने देखा प्रदेश में लंबे समय से मांग उठती आई थी महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर। केंद्र के कर्मचारियों का 28% महंगाई भत्ता है, उसी को लेकर राज्य के कर्मचारी भी लगातार मांग कर रहे थे महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर। और अब ये एक बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। वहीं से पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शरद व्यास फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, एक बड़ा तोहफा राज्य कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि हमने सही बात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व में इस बात को कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो केंद्रीय कर्मचारियों के समानांतर होगा, क्योंकि पूर्व में इसको लेकर लगातार आवाज उठ रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो ज्यादा है, अपितु जो राज्य के जो कर्मचारियों का जो भत्ता है वो कम है। इसी वजह से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और इस निर्णय के बाद 8% तक की वृद्धि महंगाई भत्ते में की गई है। हम यदि देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी अधिकारी, तो इससे बड़ी संख्या में जितने भी जो कर्मचारी सरकारी जो काम कर रहे हैं विभिन्न अलग अलग उपक्रमों में, उनको कहीं ना कहीं लाभ जरूर होगा। और दिवाली से पहले शिवराज सिंह चौहान की घोषणा कहीं ना कहीं इस बात को इशारा इंगित करती है कि वे कितने सजग है उन कर्मचारियों के लिए जो लगातार सरकार के लिए काम करते हैं। और हमने देखा पूर्व में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जब उनसे सवाल पूछा गया था एक प्रेस वार्ता के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों के लिए जल्दी खुशखबरी आएगी और सही समय पर आने पर उसको खुशखबरी दी जाएगी। तो ठीक, आज शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। और ये भी है कि उन कर्मचारियों का भत्ता बढ़ने से जो लंबे समय तक की जो मांग थी वो भी पूरी हुई है और दिवाली का तोहफे के रूप में इसको देखा जा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है, दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा, 8% बढ़ाया जाएगा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। तो आपको बता दें, अभी 12% महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है। हमने देखा प्रदेश में लंबे वक्त से मांग उठती आई थी महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर। शिवराज सरकार ने इसके पहले ही संकेत दे दिए थे कि महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा, हालांकि कोरोना काल के चलते महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन हमने देखा कुछ ही दिन पहले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि महंगाई भत्ता बढ़ेगा और उन्होंने कहा था कि कर्मचारी धैर्य रखें, दीपावली तक प्रदेश के कर्मचारियों को शुभ समाचार मिलेगा। और ये एक बड़ा तोहफा प्रदेश के कर्मचारियों के लिए साबित होगा, क्योंकि 8% महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। केंद्र के कर्मचारियों की बात की जाए तो 28% उनको महंगाई भत्ता मिलता है और अब 8% की बढ़ोतरी इसमें होगी। तो बड़ी खुशखबरी यहाँ पर राज्य कर्मचारियों के लिए होगी, दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगा, क्योंकि हमने देखा कर्मचारी प्रदर्शन भी करते आए थे इसको लेकर, लगातार मांग उठते आई थी और अब उनके चेहरे यहाँ पर मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। दीपावली पर एक बड़ा तोहफा शिवराज सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, 8% महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा सरकारी कर्मचारियों का
दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि लंबे समय से मांग उठती आई थी महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर। आपको बता दें अभी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है और इसमें 8% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो दीपावली पर ये एक बड़ा तोहफा सरकारी कर्मचारियों के लिए। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा रहेगा। तो चलिए अब सीधा रुक कर